बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि एशिया कप के पहले मैच में चाचा इफ्तिखार अहमद की शानदार सेंचुरी। इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरी स्कोर करके भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इफ्तिखार अहमद ने कितनी गेंदों पर शानदार सेंचुरी स्कोर की और इफ्तिखार की इनिंग में कितने चौके और छक्के शामिल थे और भारतीय मीडिया में क्या रिएक्शन चल रहा है इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी पर आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आल पर लाजमी क्लिक कर दें। दोस्तों आपको तफसील से आगाह करते चलें कि आज एशिया कप 2023 का पहला मैच खेला गया, जहां पर पाकिस्तानी किंग बल्लेबाज और चाचा इफ्तिखार अहमद ने शानदार सेंचुरी स्कोर जड़ दी और इफ्तिखार अहमद की ये वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली सेंचुरी स्कोर थी। लेकिन भारतीय मीडिया इफ्तिखार अहमद के सेंचुरी के बाद काफ़ी डर गया और सहम गया, क्योंकि इससे कबल भी वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों और बॉलरों से काफ़ी डर रहे थे, जहाँ पर भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का खतरा था, वहीं पर इफ्तिखार अहमद ने भी भारतीयों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और अब जहाँ पर भारतीय मीडिया इफ्तिखार अहमद की तारीफें कर रहा है, वहीं पर भारतीय मीडिया इफ्तिखार अहमद की बल्लेबाजी से काफ़ी सहमा हुआ भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 सितंबर को भारत का मुकाबला करना है। अगर इफ्तिखार अहमद के इनिंग्स को देखा जाए तो आज इफ्तिखार अहमद ने शानदार 71 गेंदों पर शानदार 109 रन के इनिंग्स खेले और चाचा इफ्तिखार अहमद के इनिंग में शानदार 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे और 153 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को काफ़ी मजबूत बना दिया और अब भारत के खिलाफ 2 सितंबर को पाकिस्तानी टीम जो उतरने जा रही है, तो वहाँ पर इफ्तिखार अहमद का डर भारतीय टीम को और भारतीय मीडिया को खाया जा रहा है। मगर आप इफ्तिखार अहमद की बल्लेबाजी से खुश हैं और सच्ची से खुश हैं तो इफ्तिखार के वाले से कोई अच्छे से जुमरा जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा।